Hello everyone, this is me Nandini Roy. You're watching me on our show Autobiography only on Bollywood Thikana. Well, आज के जो हमारे गेस्ट हैं इस शो पर, ये बहुत ही बड़े कलाकार हैं. 80s और 90s के जमाने में इन्होंने अपने गुड लुक से हीरोज को भी पीछे छोड़ दिया था. इनकी नशीली आंखें आज भी हमें याद है और इन्होंने बहुत सारा काम किया है. इन्होंने महज 300 फिल्मों में काम किया है. इसके साथ ही इन्होंने 13 लैंग्वेजेस में भी काम किया हुआ है और ये मात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 13 लैंग्वेजेस में काम किया है. चलिए आज हमारे साथ ये हैं तो इनको अच्छे से बुलाते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी जिंदगी के बारे में और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं. Hi, this is Tej Saproof. Please do watch my journey as an actor. 44 years of my film and television performances in Bollywood Thikana, and know about a few of my likes as well. Wishing you all the best. Do watch me. Welcome thank on you. Our show. Thank you. You're thank very you. Talented, thank very versatile, and we are very honored to have you on our show. It's my pleasure. Thank you. So Tej ji, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर. कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? सेहत तो आप देख ही रही हैं कैसी है. बिल्कुल माशाल्लाह. मेहनत बहुत करता हूँ अभी भी 1.5 घंटा 2 घंटा देता हूँ अपनी बॉडी को जी. तो कोशिश करता हूँ फिट रहूँ. बाकी यहाँ से यहाँ तक सब कटा टूटा है क्योंकि डुप्लीकेट्स यूज नहीं करता था जी. और हर फिल्म में 3-3 एक्शन सीक्वेंस होते थे तो करीब 1.5-2 हज़ार एक्शन सीक्वेंसेस कर लिए. चोटें लगती रहती थी. अभी तो खैर बहुत अच्छा हो गया है कि हार्नेस आ गए हैं, प्रोटेक्शन आ गया है. पहले कुछ नहीं था. एडवांसमेंट आ गई है बहुत. कुछ नहीं, बस लगा के छोटे से नी पैड जो वो गिर जाते थे, पड़ते थे, 3 माले से कूद भी देते थे. अच्छा. नीचे बॉक्सेस होते थे, उसके ऊपर 2 गद्दे होते थे, मारो जंप. तो एक्शन तो पूरा कर लिया. तो ये तो हमारी आगे की कहानी है जिस पर हम बहुत अच्छे से विस्तार से बात करेंगे. शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपका ये जो जर्नी है, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है. हालांकि हम जानते हैं फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर तरीके से बताएं हमारे ऑडियंस को कि आप कहाँ बड़े हुए, कॉलेज कहाँ किया, पढ़ाई कहाँ की, स्कूलिंग कहाँ हुई. बता देता हूँ आपको, मैं पैदा हुआ था बांद्रा में, जहाँ सत्तू साहब और मेरी मदर भी बड़ी हीरोइन थी उस टाइम जी. हेमवती जी. हेमावती जी. तो शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया था काम. तो पैदा बांद्रा में हुआ, शिरोडकर हॉस्पिटल था दादर में, वहाँ पैदा हुआ जी. उसके बाद स्कूलिंग मेरी हुई सेक्रेड हार्ट बॉयज़ हाई स्कूल सांता क्रूज़ में, तो जहाँ हम लोग रहते थे खार बांद्रा के बीच में जी. बहुत नज़दीक था वहाँ से. उसके बाद मैं शायद 9 या 10 साल का था और सप्रू साहब ने पहले भी 2 फिल्में बनाई थी जी. और तीसरी जब बनाई उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ था जी. और वो कम्प्लीट भी नहीं हुई, बहादुर शाह जफर करके जी. एंड वो शेड्यूल लास्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी सम उठाया था. और जब फिल्म बनी नहीं तो लॉट ऑफ क्रेडिटर्स वर कमिंग कि भाई वो पैसे जो दिए हैं. सो ही सोल्ड ऑफ हिज बंगलो. सबका दया भवन वाज़ द नेम ऑफ द थिंग. वो और जीवन किरण, सप्रू साहब मेरे सप्रू साहब और जीवन साहब फर्स्ट कजन्स थे जी. जैसे मैं और किरण कुमार जी, हम लोग भी कजन्स हैं. तो उन्होंने मिलके बनाया था वो, मतलब एक बीच की वॉल कॉमन थी. बट डैड सोल्ड दैट थिंग ऑफ, सेड कि चलो या कोई बात नहीं, एक और बना लेंगे जी. एंड देन वी शिफ्टेड टू अ वेरी स्मॉल हाउस इन जू. ओके. व्हिच वाज, मतलब द एंटायर थिंग वाज 500 स्क्वायर फीट, जबकि हमारा हॉल वहाँ का 1700 स्क्वायर फीट का था. अरे बाप रे. बांद्रा में तो इट वाज डिफिकल्ट, बट देन ही फॉट वेल, एजुकेटेड अस ऑल, 5 चिल्ड्रन. And सब उसी घर में रहते थे, सब जूतारा में होते, सब एक्सेप्ट माय एल्डर सिस्टर रीमा राकेश नाथ, हु इज नाउ वेरी बिग राइटर, मतलब काफ़ी उन्होंने लिखा है जी. उसको खाली सप्रू साहब ने अपनी छोटी बहन के वहाँ लखनऊ में भेज दिया था पढ़ने के लिए. सो वी फोर ऑफ अस हियर. तो ग्रेजुअली वहाँ से स्कूलिंग शुरू हुई, फिर वहाँ से मैं स्टेट चैम्पियन हुआ महाराष्ट्र में. आई वॉज वेरी कीन ऑन प्लेइंग बैडमिंटन. 70-71 के जूनियर चैंपियन थे. और कॉलेज में ही क्रिकेट भी शुरू हो गया था. तो आई द फर्स्ट सी के नायडू ट्रॉफी में आई वॉज गिवेन अ लेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर्स वी हैव सीन, बाय पॉली उमरीगर एंड बापू नाटकरनी, टू फेमस
इंडियन क्रिकेटर्स, और उसके बिना पे मुझे फिर यूनियन बैंक में काम मिल गया एज ए स्पोर्ट्समैन, बट डेजिग्नेशन कैशियर था जी। बट ये जो यूनियन बैंक में आपने काम किया, ये उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद हुआ? मच 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 पिताजी का जब वो मच हैड, क्योंकि आई केम टू जू व्हेन आई वाज अबाउट आई थिंक 10 इयर्स ओल्ड। अच्छा। पूरी स्कूलिंग की वहाँ से, साइकिलिंग करके खार जाता था, आता था, एंड दी होल्ड नियरली द चाइल्डहुड टू दी यू नो यंग एज तक, काफ़ी अरसे तक वहाँ रहे जी हम लोग। और इसी तरीके से फिर यूनियन बैंक में काम भी शुरू कर दिया एज अ कैशियर, बट ज़्यादा काम नहीं होता था, बेसिकली वे स्पोर्ट्समैन। सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, बैंक्स एंड निर्लॉन्स, और जैसे सुनील गावस्कर जी और ये वो निर्लॉन के लिए खेलते थे, ऐसा मॉर्निंग कॉलेज करता था। आई डिडंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम माय फादर, तो बिकॉज़ आई हैड सीन अ लॉट, वंस अ किंग देन केम डाउन बट नॉट अ वर्ड ही अटर्ड। बहुत बड़ी बात है, घर बिकना, गाड़ी बिकना, एक छोटे घर में आ जाना। हाँ, गाड़ी भी नहीं, गाड़ी तो खैर नहीं बिकी, गाड़ी तो वहाँ भी थी हमारे पास, बट ह्यूज जहाज जैसा घर बिक के अगर छोटे घर में आए, एंड देन बट ही वॉज फाइटर, हम सबको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ कैरेक्टर एक्टर। तो यही था सिलसिला शुरू से कॉलेज तक का। फिर कॉलेज में, सिंस आई वॉज इन टू लॉट ऑफ एक्शन, मतलब बैडमिंटन और क्रिकेट तो चलता ही रहता था जी। वहाँ विस्वी कपाड़िया साहब मिले, जो मेरे मतलब हमारे लिए कॉलेज में खेलते थे, एंड ही वॉज अ ब्लैक बेल्ट दैट टाइम। तो वो बोल रहे थे कि यार मेरे साथ ट्रेनिंग करो, तो कभी कभी सब प्रैक्टिस करके भाईकला में उनका क्लासेस थे, हम वहाँ चले जाते थे। 6 महीने उन्होंने ट्रेनिंग कराई जी। और दैट ट्रेनिंग आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, इट वॉज सो टफ। कैसा था मतलब? मतलब इट इज फर्स्ट योर बॉडी हैज टू एंड्योर दैट पेन जी। डिसिप्लिन क्या है ये है, इट्स नॉट ईजी टू बी अ जूडोका और अ कराटे गाय। इट इज नॉट ओनली अबाउट हिटिंग पीपल, इट इज दी यू नो मेंटल बैलेंस, स्टेबिलिटी। और एक चीज होती कि आप कभी पहले किसी को नहीं मारेंगे। अच्छा। ये जितने भी हैं दे विल फर्स्ट आपको, जो आपका अटैक है उसको वो हटाएंगे पहले। अच्छा। फिर आप पे अटैक करेंगे, पहला आपको नहीं मारेंगे वो कभी भी। जो भी सीजनड कराटे वाला है, जूडो वाला है, आप कहीं भी कोई भी फिल्म, आप फिल्म भी देख लीजिए कोई, जैकी चैंग्स और ये इप मैन, ये जो, दे विल नेवर यूज द हैंड फर्स्ट अनलेस यू अटैक देम, देन दे डू व्हाट दे वांट। दैट्स द रूल ऑफ दैट गेम। दे विल नेवर, बिकॉज उनमें मालूम है, उनके अंदर शक्ति इतनी है जी कि दे कैन एनी टाइम टेक द अदर मैन, सो दे ट्राई टू अवॉइड सच क्लैशेस until it becomes inevitable, you know. तो उससे मैंने 6-8 महीने ट्रेनिंग ली। फिर 78 में आई वॉज आई थिंक इन द कार ब्रांच, उधर शॉर्टेज हो रही थी, तो BSM बॉम्बे समाचार मार्ग जो मेन ब्रांच ऑफ यूनियन बैंक, यस, वहाँ मैं था। तो बोले 3 महीने के लिए वहाँ से इधर डाला कि शॉर्टेज है। देन माई ब्रदर इन लॉ राकेश नाथ, वो आए मेरे पास, यार रवि नगाया चाहे ये वो ऐसा, उन्होंने मिठून को साइन किया है फर्स्ट हीरो, रंजीता उसके ऑपोजिट है, उनको एक सेकंड हीरो चाहिए जी। तो यार वो कैरेक्टर भी ऐसा है, तो एक्शन ये वो, तो आई हैंडेड ओवर माय कैश टू द फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब तू संभाल ले, मैं 2 घंटे में आता हूँ, एंड वेन डायरेक्टली टू सन एंड सैंड वेर ही वाज स्टेइंग रवि साहब। तो जब खोल के देखा उन्होंने, तो रिकु ने बोला ये मैं आपको मिलाना चाहता था, तेज बोला था उसने, मतलब सब कुछ नहीं बोला, सब समझ जाए। तो मैंने मतलब मैं भी हाँ क्या करते हो, मतलब कुछ नहीं, मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ नहीं, एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक्शन कर लेते हो, मतलब एक्शन मेरे से बेटर कोई कर भी नहीं पाएगा। बिकॉज बहुत ट्रेनिंग की थी मैंने। बोले यार तेरे बाल इतने, तभी मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको, ह्यूज मुस्टैश ऐसे घने बाल, यार परफेक्ट है रिकू यार, इसको
ठीक है कल आके साइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है हो गया। कल गए तो नेक्स्ट डे जब नाम लिख रहे थे तो सरनेम बोल, मैंने सप्रू, अरे यार तो शक्ल भी तेरी ऐसी है, सप्रू के साथ मैंने काम भी किया हुआ है ये वो करके, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने। मेरा सर अगर मेरे को रिजेक्ट कर देते तो उनका नाम खराब हो जाता, इसलिए तो इस तरीके से सुरक्षा मिली माय फर्स्ट फिल्म। फिर उसके बाद 3 फिल्में एज अ हीरो की, सेकंड हीरो मतलब कोबरा, लापरवाह, फिर सेकंड लीड करते रहे, सेकंड लीड करते रहे। पर 1979 आपके जीवन का बहुत अच्छा साल भी रहा और काफी बुरा साल भी रहा, खुद ही अच्छा तो ये था कि 79 में अर्लियर फिल्म लगी जून में जी, बिग हिट, मतलब नी तक एंकल्स तक थिएटरों में पानी था जी। फिर भी हाउसफुल था जी। सुरक्षा की, बट ड्यूरिंग दैट टाइम डैड वॉज डिट्यूरेटिंग, तबीयत उनकी खराब चल रही थी, एक ऑपरेशन हुआ यहाँ बोन का, एंड बोल रहे थे यार तेरी फिल्म जाके थिएटर में देखूंगा, ऐसे नहीं ठीक हो जाता हूँ तो देखता हूँ ऐसा कर, बट वो डिट्यूरेट होते गए। एंड फाइनली 20 अक्टूबर 1979 दिवाली वाले दिन, लक्ष्मी पूजा का दिन था, एंड घर नहीं आ पाए क्योंकि वो कैश का जहाँ बिल्स पे करना तो बंद था। सो वी केम फॉर लक्ष्मी पूजा, घर पे आए तो वहाँ से फोन आया कि सप्रू साहब इज नॉट फीलिंग वेल, आप जल्दी आ जाओ। बट बाय द टाइम वी रीच देयर, एटलीस्ट आई रीच फर्स्ट, तो रूम में नहीं थे, रूम से गए वो ICU में ले गए थे उनको। सो दरवाज़ा खुला था, द ओनली थिंग आई कैन रिकलेक्ट इज ही वॉज फेस वॉज टूवर्ड्स द डोर and eyes were really numb sort of and waiting for somebody to come, but he had expired that time, so ek malaal aapke dil mein reh gaya hai, kitna aap is cheez ko kabhi kabhi main ye leke sochta bhi rehta tha ki matlab he was the guy who wanted me to come in the line, but fir maine back to base gaya ki main papa ke sath kabhi kaam hi nahi kar paya, but my initially thing, my first shot which I gave was in शहीद भगत सिंह, मनोज कुमार, और मनोज कुमार जी ने इनको लॉन्च किया है, ब्रेक उन्होंने बड़ा आपको उन्होंने किया है। एक जो छोटे बच्चे का रोल था जब शहीद भगत सिंह की फांसी लगने वाली है जी, तो जेल में पूरी फैमिली मिलने आती है, तो उसमें वहाँ उनको कोई छोटा नहीं मिल रहा था, तो मुझे वैसे छोटा सा अबाउट 9 years or 10 years जैसे पगड़ी एगड़ी छोटी बांध के, जैसे नहीं बच्चों को बांधते सरदार के, जेल में कामनी कौशल जी पापा और मैं मिलने जाते हैं, तो अभी भी मनोज जी कभी कभी मिलते हैं तो बोलते हैं ब्रेक मैंने तुझे दी। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सब यही बोलने लगे कि सप्रू साहब भी पहले हीरो थे फिर वो विलन बने, फिर वो कैरेक्टर एक्टर बने, तो ये जो ब्लू आईज है ना यार, ये विलन के लिए ज्यादा सूट करती है। अच्छा, ऐसी सोच उस वक्त बॉलीवुड है थी, अब कौन समझा था कि सबसे बड़े हीरो जो थे राज कपूर साहब, उनकी भी ब्लू आईज थी जी। तो यहाँ की सोच ऐसी थी, उस वक्त काम करना था, तो हीरो हो विलन हो कुछ भी हो, तो वो जो विलनी का दौर फिर शुरू हुआ तो वो चलता गया जी। और आज तक भी चल ही रहा है, हालांकि बीच में मैंने बहुत डिफरेंट रोल्स भी किए बट कंपेरेटिवली वो कम है, जैसे अगर 100 फिल्में की हैं तो उसमें से 95 नेगेटिव होंगी। सो आपके दिमाग में किसने डाला कि आप जो है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स या लीड सेकंड लीड छोड़ के आप विलन, ये किसी ने तो आपको कहा होगा? कहा किसी ने नहीं, विलन का रोल है इसमें आप करेंगे, फिर आप टाइपकास्ट हो गए उसके बाद। एक बार जब शुरू होता है विलन का, अब एक्शन अच्छा करता ही था तो ब्लो का रिएक्शन लेके गिरना पड़ना भी आसान नहीं है जी, और उस वक्त विलन को बहुत तवज्जो दिया जाता था। हाँ, विलन अपने सेपरेट कैरेक्टर्स होते थे जी जी, कॉमेडियन सेपरेट होते थे जी, हीरो सेपरेट होते थे, कैरेक्टर एक्टर सेपरेट होते थे, एक्ट्रेसेस सेपरेट होती थी जी, तो हर चीजें डिपार्टमेंट सा था। आज हीरो भी हीरो हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, विलन भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, सब कुछ है। पठान में देखिए ना, जॉन अब्राहम विलन बने हुए हैं, ये सिलसिला उनकी तरफ से, जैसे हॉलीवुड में एक एक्टर करता है अच्छा भी है उनके लिए जी,
अब ये कहे कि किसी को ढूंढना पड़ेगा कि हमको हीरो ले लें, क्योंकि जब विलन हीरो विलन कर सकता है तो विलन हीरो क्यों नहीं कर सकता जी, बिल्कुल तो मुश्किल हो जाएगी। आपने इतनी सारे विलन के किरदार निभाए हैं, आपका खुद का फेवरेट वो कैरेक्टर कौन सा है, आपका खुद का विलन कैरेक्टर? हिंदी में तो रेगुलर ही मतलब ठीक थे, बट जो मेरी फेवरेट फिल्म थी जो चली नहीं वो प्रेम योग। अच्छा। दैट वाज स्टारिंग ऋषि कपूर, मधु जी। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, मतलब कैरेक्टर एक्टर्स की। प्रेम रोग राज कपूर की जो, वो प्रेम रोग थी। अच्छा। ये प्रेम योग, प्रेम योग है। जी। इट वाज मेड ऑन दी वो एडी मर्फी की फिल्म थी जो रिटर्निंग टू अमेरिका या कमिंग समथिंग लाइक दैट, उसका कि वो वहाँ का किंग है किसी बसुटो लैंड टाइप का और इधर आता है तो उसको राजे की तरह ही ट्रीटमेंट चाहिए। ये इट्स अ वेरी गुड फिल्म, फिल्म नहीं चल पाए। तो वो फिल्म में शमी जी थे, टीनू आनंद, प्रेम चोपड़ा जी, ऑफ कोर्स ऋषि एंड मधु वर द लीडिंग पेयर, शक्ति कपूर, मोनिश प्लेड माय सन एंड इन दैट आई हैड अ सॉल्ट एंड पेपर लुक। Okay. तो इनकेस अगर वो चल जाती उस टाइम तो फिर वो फादरली रोल्स जो थे वो आसानी से मिल जाते, लेकिन नहीं चली इतना जो चलना चाहिए था, सो दे वेंट बैक। बट आई बीन फॉर्चुनेट दैट वे कि यही सब रोल्स जो मैं चाहता था करने मुझे साउथ में मिले हैं। जी, या मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि हम इस बारे में बात करें तो मैंने सोचा सवाल कर लूँ आपसे। आपने अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, इन सब परेश रावल सबके साथ काम कर रहे थे और ऐसा वक्त आया था कि आपको इन्हीं का बेटा बनाया जा रहा था। सबके सब हम उम्र हैं, सब हम उम्र हैं या एक दो साल शायद मेरे से छोटे हों। शक्ति बड़ा है जी, अनुपम शुड बी माई एज और ईयर और टू यंगर। ऐसा क्यों हो रहा था बार बार? वो इसीलिए क्योंकि एक्शन में टॉप था मैं, इसलिए आंखों का नहीं पूरी एक्शन का, एक्शन का, बिकॉज गिरना पड़ना ये वो राइटिंग द वर्क्स। जो आदमी डुप्लीकेट नहीं लेता मतलब जी, वो उनको लगता था क्योंकि मार खाना भी जो हीरो से है ना वो भी एक आर्ट है, और अगर मारो और बराबर धाड़ धूड़ गिरो तो हीरो को भी लगता है यार मैंने मारा और उसका रिएक्शन इतना अच्छा दिया। तो क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से आपने हिंदी फिल्म से दूरियां बना ली, क्योंकि आपको सीनियर सिटीजन, आपको फादर का रोल, उस रोल की जो चाहत थी वो आपको नहीं मिल पा रहा था? हाँ, बेसिकली था बिकॉज आई वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द सेम काइंड ऑफ रोल्स, मतलब बेटे के एक्शन एक्शन एक्शन, अनुपम का बेटा, रुपेश कुमार का बेटा, शक्ति कपूर का बेटा, परेश रावल का बेटा, गुलशन ग्रोवर का बेटा जो मेरे से कम दो चार साल तो यंग हो गई जी। तो इन ये लोग सब विग विग पहन के कर लेते थे और मेरा लुक वाइज थोड़ा यंगर आता भी था जी। तो फिर मैं फेडअप हो गया था, पर यही चीज़ें मुझे साउथ में मिल रही थी अच्छी, वेयर आई वॉज प्लेइंग द फादर टॉप रोल्स। So basically the kind of role you wanted to do in Bollywood, आसानी से आपको साउथ में या कहीं और लैंग्वेज में? साउथ में और बाकी मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस लाइक हरियाणवी जो कि गुजराती की, गुजराती में भी शुरू में काफी विलन किए लेकिन बाद में अच्छे कॉमेडी रोल्स भी किए, डिफरेंट रोल्स जी। तो भोजपुरी में दो बहुत ही पावरफुल रोल किए थे, एक तो दिलीप साहब के जो ब्रदर इन लॉ थे सायरा जी के भाई, उनकी फिल्म थी जिसमें नगमा और रवि किशन हीरो हीरोइन उस टाइम के टॉप के भोजपुरी के थे, एंड दैट रोल व्हाट यू वुड कॉल द अमरीश पुरी रोल। अच्छा। उसमें था बहुत अच्छा, हुआ भी था अच्छा। तो ऐसे करके करते गया एंड समहाउ वहाँ भी जो तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ की जो मोस्ट पावरफुल रोल्स किए मैंने, लेकिन कई फिल्में चली कई नहीं चली जी, वो फर्क पड़ता है। बट वहाँ भी थोड़ा सा मुझे जो लग रहा था कि बाकियों को ज़्यादा बुला लिया गया दो, कि मेरा एक्शन भी कमाल का था, वॉज द कलर इन द आईज, क्योंकि वो यू कांट डायरेक्टली कनेक्ट दीज आईज टू द साउथ बैकग्राउंड। यस यस। तो मे बी दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स जो इतना करने के बाद भी काफ़ी जो लोग गए वहाँ और अच्छे सक्सेसफुल हुए, ऑल गुड फ्रेंड्स, बट देवर उनका थोड़ा सा वो साउथ में मोल्ड हो जाते थे थोड़ा जी।
जल्दी तो बट अगेन देव कॉल्ड मी आई एम प्लेइंग बट सरदार पटेल इन तेलुगु फिल्म अब मैं जा रहा हूँ बाई द एंड ऑफ द मंथ एंड फॉर शो यू द फोटोग्राफ ये अगर मैं बोलूंगा नहीं तो यू वोंट बिलीव कि ये सरदार पटेल नहीं है मतलब थोड़ा सा प्रोस्थेटिक्स भी किया है इसमें बट मेरा फेस मोल्ड अच्छा हो जाता है किसी भी गेटअप में इट कैन वेदर इट्स किंग्स गेटअप और वेदर इट्स द मुस्लिम गेटअप एंड एनीथिंग सो एडवांटेज है इसलिए बोल्ड रखा हुआ वो एक सीरियल किया था अमात्य राक्षस बना था चंद्रगुप्त मौर्य करके बहुत ही बढ़िया सीरियल बना था इनफैक्ट इट वॉज नंबर वन ऑफ इमेजिन टीवी दैट टाइम एंड आज तक मुझे याद है जब वो ओवरनाइट बंद हुआ था मर्डॉक का था देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड इधर ही वांटेड टू क्लोज द शो उसने रात तो रात मतलब सुबह की मेरी फ्लाइट थी बड़ौदा की कि भाई नहीं आया ना मजाक कर रहे हो तुम लोग नहीं नहीं सर उसने बंद कर दिया है आके सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया एंड आई थिंक वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ जो हैं शी वाज शी हैज डन लॉट ऑफ काफी कंपनीज में टॉप की रही हैं प्रोग्रामिंग हेड और यू शी वाज द शी आल्सो टोल्ड मी कि एकदम ओवरनाइट बंद हो गया तो वो एक शो था जिसकी स्कूल्स और कॉलेजेस से मतलब रिक्वेस्ट इनको गई थी डोंट क्लोज द शो यू नो इट वाज सो एजुकेटिंग एंड द राइट थिंग बिकॉज देयर हैज बीन नो अदर पर्सन हु कुड यू नो सॉर्ट ऑफ मैच चाणक्य उससे चाणक्य नीति बोलते हैं यहां से शुरू हुई Everything regarding how it has to be done, good, bad, how it works. Yes. There was never a bigger, you know, thinker and guy like Chanakya. So I loved that. आपने action बहुत किया जैसा कि आप बता रहे हैं और villain का character भी आपका बहुत ज़्यादा देखा गया. कभी किसी set पे ऐसा हुआ कि किसी film के set पे नाम भी बताइएगा film का और ये भी कि कहीं चोट आई हो. बहुत आई यार. Set पे ही चोट आई है मुझे. तो कोई ऐसा किस्सा हो तो बताइए ये कई किस्से हैं एक नहीं एक जीना मरना तेरे संग के लिए गए थे जी ये शूटिंग एंड वो जहाँ वो फॉल्स है जहाँ अपना साउथ में ही है उग्निकल से जहाँ वो छोटे छोटे आपने कहीं जीतू जी की और उनकी फिल्में देखी होंगी तो गाने भी चलते हैं जी। वैसे बोट्स वो जो कप की तरह बड़े बड़े बोट बीच में बैठ के ऐसा चलाते हैं वहाँ जैकी वॉज देयर बट आई वॉज डूइंग सनी और श्रीदेवी वर प्लेइंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन दैट हीरो जैकी था रवीना टंडन हाँ तो उस दौरान मेरी फाइट हो रही है सनी से वो एंड वो फाइट के दौरान वो मुझे मारता है और मुझे गिरना है तो गिरना था क्या ऐसे पहले डब्बे होते हैं टीन के 16-16 किलो के तेल के डब्बे आते थे वो रखे रहते थे टायर्स रखे रहते थे ऐसा ये वो चीज़ें गोडाउन में फाइट चल रही है तो आई हैड टू जंप यू नो मारता हीरो और मुझे गिरना था डब्बों के ऊपर से नीचे वो मैंने प्लान कर लिया था सारा कुछ ये डब्बा ऐसा 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 यहाँ से अच्छा यहाँ शोल्डर लूँगा यहाँ से गिर जाऊँगा गिरने में एक जो था वो जो टीन का डब्बा वो फ्लैग ऐसा नहीं गिरा वो सीधा ही रह गया अच्छा तो सीधा रह गया तो मेरा रिब उसके ऊपर ऐसे आया माई वेट एंड माई रिब तो शॉट जब दे दिया सब तालियां मार रहे और मेरी सांस नहीं आ रही बाहर यू नो व्हेन यू गेट अ हिट ऑन योर रिब्स ये सोलर प्लेक्सस आपकी सांस बंद हो जाती है नीली यू कांट ब्रीथ दीज आर द टू वाइटल पॉइंट्स वेर यू हिट नॉर्मली वी आर टॉट हाउ टू हिट पर्सन जब मारना होता है किसी को आई कुडंट ब्रीथ एंड दे वर क्लैपिंग सो ऐसा हो गया था सनी का नहीं था वो सनी का नहीं मेरे ही गिरने का शॉट था अच्छा उसमें सनी नहीं थे उसमें सनी नहीं था तो मेरे वो उसे धक्का मारा गिरा वहां से जाके एंड बाद में उनको लगा कि इसकी तो शक्ल ही नियरली ब्लूइश जैसी हो गई तो वो फाइट मास्टर से भाग क्या है बोला क्या फिर वो ब्रीदिंग वापस आई एंड हेयरलाइन फ्रैक्चर था रिब पे अच्छा। और इसका कुछ नहीं कर सकते आप विद क्रेप एंड टाइट बांध सकते हैं बस जी इट वाज वेरी पेनफुल इट वाज पेनफुल मतलब इमेंस
फिर शूट किया मैंने, शूट भी किया इसके बाद, वो शूट किया एक दफ़ा, जहाँ से मैं मतलब 30 दिन के लिए बेड रिडन हो गया था। अच्छा, ये कौन सी फिल्म की बात है? ये कन्नड़ फिल्म कर रहा था मैं जी। उसमें पकड़ के रॉड्स, जो पुलिस की वैन होती है ना, मोटरसाइकिल से कुछ चेस थी ऐसा, उसको पकड़ना है जी। तो अपना वेट देखा मैंने, ठीक है जी। बट शॉट के दौरान जब बाइक छोड़ के उधर जंप मारा तो वो पूरा नीचे आ गया था। अच्छा। और मेरा थर्ड ऐसे करके बैग जो है सीधा सीमेंट के अपने रोड पे गिरी है। तो इट वॉज जस्ट लाइक ए शॉक फ्रॉम, जैसे किसी चाकू मारा उस स्पाइन में। एंड होल वो आउटडोर मैंने कैसे किया मैं जानता हूँ, ये फ्लूइड लीक हो गया था स्पाइन से। मतलब मेरे को टर्न होने में, बिस्तर से उठने में कम से कम 10 मिनट लगते थे। देन माय मेकअप मैन वाज देयर, उसको पकड़ के ऐसे करके सीधा रहता था वहाँ। इमिजिएटली एक्सरेस निकाले, और यहाँ मेरा डॉक्टर है फ्रेंड राउत, उसने बोला एम्बुलेंस ले, एयरक्राफ्ट में बैठ और वापस आ जा। बट आई कम्प्लीटेड दैट थिंग, मुझे अभी भी याद है, मेरे को पालकी में बिठा के ले जाते थे, आई कुडंट क्लाइंब द स्टेप्स। सो डायरेक्टर पर उसे बोलते नहीं थे कि रेस्ट कर लो? रेस्ट कैसे होगा, मतलब इधर कैंसिल था शूट और ये जी। फिर शेरनी कर रहे थे फिल्म हम लोग, श्रीदेवी है, श्रीदेवी, शत्रुघ्न सिन्हा, अमेश जी जी, उसमें बड़े बूट थे हम लोग, सब वो बने थे डाकू टाइप्स जी। तो एक थोड़ा पथरीली जगह थी, वहां से जंप मारना था नीचे। जम मारा तो वो स्ट्रेट हील जो है मेरी, वो एक रॉक के, हालांकि जूता था लेकिन ऐसा पंच गया तो हील एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। कट्स बहुत लगे हैं, तब रिस्क टेकर हैं बहुत। रिस्क नहीं था, थोड़ा सा आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग एक्शन, क्योंकि पहले की ट्रेनिंग ऐसी थी एक्शन की। और हमारे लिए ये होता था कि अगर फाइट सीक्वेंस है किसी के साथ भी हो, और चार्ज्ड अप होता है यार, कल पूरी दिन फाइट करनी है, यू नो ऐसे था। आपने सबसे ज्यादा फाइट सीक्वेंस कौन से एक्टर के साथ एंजॉय किया, कि मतलब मजा आ गया? सारे अच्छे थे, सारे नहीं, कोई एक दो का नाम बताइए। मिथुन ऑफ कोर्स यार, मिथुन चक्रवर्ती, जिनके साथ पहली फिल्म की आपने। 32 फिल्में एज व्हेन आई काउंटेड, 32 फिल्में कर ली है, मतलब जो मेरे को गिनती में आई थी एक जमाने में, मैं जब गिन रहा था तो 32 फिल्में मिथुन के साथ किया, एंड माय फर्स्ट फिल्म विद हिम। So my rapport with Mithun was like amazing. Evergreen. मतलब गाली गलौज भी चलती थी, मस्ती भी फुल ऑन थी हमारी, वो संजू, then every hero यार, कौन है, सलमान के साथ भी, सब सब के साथ, धर्म जी, शत्रु जी, विनोद खन्ना, इवन दिलीप साहब जी। आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग करे थे कानून अपना अपना, आई थिंक, जिसमें संजू है, दिलीप साहब का फादर मैंने, माधुरी है, तो ही न्यू कि आई वॉज सप्रू साहब सन, एंड बुलाते भी मुझे सप्रू ही थे। अच्छा। यार सप्रू, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा एक्शन करते हो यार, तुम्हारे साथ मेरा फाइट सीक्वेंस है कहीं, मैं ठीक मार रहा हूँ? मैं यार इतनी बड़ी हस्ती में क्या बोल, मेरा दिलीप साहब, नहीं 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 सुना है तुम्हारा एक्शन बहुत अच्छा है, हा? तो मेरा ब्लो ब्लो ठीक जा रहा है। ग्रेट पीपल टू वर्क विथ, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड आई थिंक, यू नो, बिकॉज़ आई हैव सीन वो दौर भी, मतलब दिलीप साहब से खाली देव साहब के साथ नहीं किया और राज कपूर साहब के साथ नहीं किया, राज कपूर एंड राजेंद्र कुमार जी, वो जी जी, बाकी सबके साथ आई थिंक दिल्ली यंगस्टर्स, अभी नए यंगस्टर्स जो है उनके साथ शायद रह गया होगा, वो भी कर लो। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने काफी सारे एक्टर्स के साथ काम किया, सुपरस्टार्स के साथ काम किया, तो आपने जो नाम भी बताए मुझे, से जितेंद्र साहब, जीतू जी के साथ, विनोद खन्ना, वी के साथ, खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, शमी कपूर जी, everybody. तो इन लोग से आपने एक कोई ऐसी एडवाइस, इन पांचों ने आपको बताई, जैसे धर्मेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी हैं, दिलीप कुमार, किसी एडवाइस का ऐसा मैं ना ली ना, हम लोग काम करते रहते थे साथ में, ये वो, या आपने कुछ खुद ही सीखा हो? मैं उनको बस देख के एज टू जो चीज होती थी एज टू एडमायर, बिकॉज मेरे मेरे जहन में शमी जी से बेटर कोई डांसर आज तक आया ही नहीं जी, कोई कितना भी कर ले,
जो शमी जी का स्टाइल था वो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, जो रिदम की से और कहाँ आना है फाइट मतलब डांस मास्टर्स भी उनको मूवमेंट बताते थे कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ वाइंड अप करना है, वो अपना ही करते करते स्पॉट पे आ जाते थे। और वैसे वो निजी जिंदगी में कैसे थे शमी साहब, मतलब आपने तो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट नोइंगली ही वाज एन अमेजिंग मैन। शशि जी से काफी रहा है बिकॉज माय मदर वाज आल्सो इन पृथ्वी थिएटर्स की वन ऑफ द टॉप, पापा जी इज फेवरेट थी मदर जी। एक दीवार करके प्ले होता था जहाँ माय मदर हेमा जी एंड राज कपूर साहब वो केमियो करते थे, उसमें दोनों का केमियो था जी। सो एंड द अदर अमेजिंग गाय वाज प्राण साहब। प्राण साहब काम किया है आपने उनके साथ? बहुत काम किया। पंक्चुअलिटी क्या होती है ये उनसे सीखा है। एक दफा जीना इसकी रतन मोहन की फिल्म थी, जीतू जी हीरो रीना रॉय, और 2 बजे की शिफ्ट थी फिल्मिस्तान में जी। आई वॉज देर उधर ही, तो मतलब घर जाके वापस आऊंगा तो मैं 1 बजे पहुंच गया, तो कोई नहीं था, सब साफ सफाई चल रही थी। तो मेरा बॉय जो था उसने कुर्सी वर्सी लगाई, मैंने चल भारी कुर्सी लगा दे यार, तो स्टेज के बाहर सेट के बाहर लेके बैठ गया। एग्जैक्टली 1:30 को एक गाड़ी एंटर होती है, प्राण साहब उतरते हैं, तो मैं आके पैर छुए ना, क्या करो बेटा, मतलब आप ही के साथ है। अरे अच्छा तुम यही फिल्म के लिए आए? मैंने हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट डे भी हम लोग साथ ही काम कर रहे थे, नेक्स्ट डे वो 1 बजे आ गए थे जी। मेरे से पहले। अच्छा। मतलब ऐसे टाइम पंक्चुअलिटी पूरा गेटअप करके ऐसा, तो उस टाइम एसी नहीं थे, बताया मैंने आपको, फ्लोर पे एसी बहुत कम होते थे। हाँ। फुल गेटअप में अपने कपड़े के साथ बैठे रहते थे सेट पे। प्राण साहब अभी आपका शॉट नहीं, अभी शॉट ले रहे हैं, आप रूम में बैठे ना, एसी का रूम है उधर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इज टू ऑब्जर्व द अदर पर्सन हाउ इज परफॉर्मिंग, मतलब जो वो सीन करना है वो उनका शॉट ले रहे हैं, बैठे देखते रहते थे। और नेचर कैसा था उनका, मतलब अमेजिंग फ्रेंकली। आई यूज टू ड्रिंक, ही यूज टू ड्रिंक। और शाम को जो महफिल हम लोग पैकअप के बाद लगती थी, प्राण साहब को जमीन से आसमान तक किसी चीज पे भी वो शेर बोल सकते थे। वॉट एन अमेजिंग पर्सन टू सिट विथ इन द इवनिंग। जो भी मेरी 4-5 आउटडोर्स में उनके साथ बैठक हुई है, दिट वॉज ब्यूटिफुल। इनफैक्ट वंस ही गेव मी 9, उस टाइम VHS चलते थे, उनके किसी फैन ने उनके सारी फिल्मों के एक्सर्प्ट सीन्स निकाल के उसको रिकॉर्ड करके उनको दिया था। मैंने प्राण साहब ये वो देख काम कर तू, मेरे पास वो 9 कैसेट लाके देख जाके, कम से कम देख। तो उनका स्टाइल अलग था, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट यू कुड यू नो, यहाँ थोड़ा सा ऐसे करते टाइम क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो हर जगह अपना वेरिएशन देते थे, एक रोल नहीं रिपीट करते थे, किसी में कुछ बोल दिया कुछ, किसी में गेटअप कर लिया, ये विच वॉज लिटरली आई थिंक फॉलोड बाय गुलशन अलॉट, उसने भी देख ली थी वो 9 कैसेट्स। तो ऐसे ही बस देख देख के हमारा सिलसिला चलता रहा। तो ये तो रहा प्राण साहब के साथ आपका किस्सा। आपने अमरीश पुरी के साथ बहुत काम किया, वो भी अमेजिंग थे। तो उनके आप किस्सा थोड़ा बताइए। वो मेरा उनके साथ मतलब ऐसा, मैं छेड़छाड़ बहुत करता था अमरीश पुरी जी। अरे बहुत बहुत मस्ती करता था उनके। तो एक दफा तो ऐसे आया, मैंने यार अमरीश जी मैं थक गया हूँ। क्या हुआ पुत्र? अमरीश जी मैं अभी देखो ना, आप कर रहे हो सब सीनियर रोल ये वो, और जब देखो किसी का बेटा बना देते हैं मुझे, थोड़ा सा यंगिश वीक पहन के। ओए पुत्र अभी तू यंग का खा ले, इंडस्ट्री से तेरे को कौन निकालेगा, बाद में कर लेना बाप के रोल सारे। तो इस तरीके से वो चालू हो जाते थे मेरे साथ। मैं होता ना, लेकिन क्यों नहीं होता है सब? अमरीश जी देखे आप मानेंगे, आपसे हैंडसम हूँ मैं, अपनी हाइट वाइट में भी आपसे लंबा हूँ, हैंडसम भी हूँ। हाँ एक चीज मानता हूँ कि आपके गले में बोस का स्पीकर है, मेरे गले में नहीं है। तो इतना हंसते थे वो। तो अच्छा उनका भी यही था, सुबह कहीं भी हूँ मैं शूटिंग पे,
आई टू गेट अप एट 7 o'clock, 9 o'clock की शिफ्ट है, तो नीचे मेरा वो 1-1.5 घंटा पूरी वॉकिंग रनिंग वनिंग सब हो जाती थी जी। तो वो देखते थे रूम से कि वो गार्डन है, गार्डन में कौन सुबह सुबह अरे तेज उतरा हुआ है। नेक्स्ट डे फिर आ जाते, मैं भी आना कल, मैं आ जाओ जी। हाँ, वी हैव डन लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस टुगेदर इंक्लूडिंग दिस तलवालकर जिम व्हेन आई वाज नॉट इन द लाइन एंड ही वाज डूइंग थिएटर एंड ऑल दैट, सो वी यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ वेट्स एट दी तलवालकर जिम। उनका नेचर कैसे कड़क नेचर के, हमने तो हमेशा वही देखा है टीवी पे। यू सी, यू हैव सीन ऑल हिज कड़क रोल्स, नाउ यू हैव नॉट सीन हिम पर्सनली। इतने फॉर्चुनेट नहीं थे ना अपनी तरह, मस्तीखोर थे वो भी। अच्छा, हां हां, तरीका मतलब यू सी बिकॉज़ ऑफ हिज लाइक सबरू साहब कभी था, सबरू साहब वाज एन असाइनमेंट बट ही वाज आल्सो वेरी जोवियल, लेकिन उनका रोब ऐसा था स्क्रीन पे एंड वॉइस इतनी हेवी थी कि लोग वॉइस से ही थोड़ा सा डरने लगते थे। दैट वाज द थिंग, हां, इट वाज वेरी एंड द बेस्ट रोल व्हिच आई फाउंड हिम वाज जहां एक डायलॉग भी नहीं था। If you see Sahib, Bibi और Gulam, Gulam, yes, not a single dialogue by Bade Thakur, वो last में जब देते मारने के लिए, एक dialogue नहीं था और सब expression से आपको मालूम पड़ता था कि क्या होने वाला है। So it's a matter, यहाँ मैं आपको बता दूंगा, hard work yes, but तकदीर का सारा खेल है, वक्त की हेरा फेरी और कुछ नहीं, मेहनत सभी करते हैं, कौन एक्टर मेहनत नहीं करता। मेन चीज इज आप कितनी लिखा के लाए, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मिले यू शुड बी डिसहार्टेंड, लाइक लॉट ऑफ पीपल टेल मी यार वेयर यू शुड हैव बीन द पर्सनालिटी। मैंने मेरी किस्मत में जितना लिखा है वो मुझे मिलेगा, एक रुपए कम नहीं मिलेगा, एक रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा, और आई एम हैप्पी विथ इट, सी बिकॉज वन थिंग आई नो, माय गॉड, जितना उसने मेरे लिए लिखा है वो मिलेगा। And I am not a guy कि वो करोड़पति है जी, उसके मैं भाड़ में गया जितना भी हो, मुझे जो दिया मैं उससे खुश हूँ, वो खुश रहता हूँ। This is one of my things, I never lie and I don't feel envy about कि यार वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पहुँच गया है, उसकी किस्मत है, अपना काम किया चले गए, वो किसकी किस्मत है, वो उसके लिए, उसके लिए लिखा होगा ऊपर वाले ने, you know, so that's the thing. जी, अच्छा, आपके जीजा जी हैं राकेश नाथ जी, जो कि माधुरी दीक्षित के 28 साल तक मैनेजर रहे, उनके कर्ता धर्ता बेसिकली, तो आपने माधुरी के साथ फिल्में भी बहुत की हैं, बहुत सारी, तो क्या मतलब कोई घरेलू एक रिश्ता बन गया हो? ऑब्वियसली बिकॉज रिकू वॉज माई ब्रदर इन लॉ, तो फर्स्ट फिल्म में भी उसने ही, उसका ही हाथ था जी, ले जाने का, उसके बाद बट देन आफ्टर दैट आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो ही वॉज पहले विद, सबसे पहले तो वो उसने रंजीता से शुरू किया काम, फिर उसके बाद अनिल कपूर आया, अनिल कपूर के बाद माधुरी आई, माधुरी के दौरान भी शिल्पा भी थी, अच्छा, शिरोडकर, फिर थोड़ी देर के लिए वो भी आई थी अमीषा पटेल, यू नो, सो ही वॉज डूइंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, और जहाँ जहाँ अगर ऐसे होता था तो जिक्र करने से ही हो जाता था काम कि ये रोल अगर आप चाहें तो, एंड आई वॉज ऑलरेडी इन टू द लाइन, सो So you share a good bond with Madhuri then also? Yeah, yeah, yeah. I went to her house when she was in Ville Parla, वो जो था ना अपना अंधेरी ईस्ट में जो फ्लैट था, जो ग्राउंड फ्लोर में, मुझे अभी भी याद है, आंटी अंकल वहीं थे, that's why I just went to a mother's funeral, I was in Chandigarh, the moment I finished my shoot there, I came here and I was there, because I've known auntie since those days, very lovely person, both of them, husband wife. तो रिलेशंस हो ही जाते हैं ना, फिर फिल्में इतनी कर ली, साउथ की भी की जिसमें माधुरी थी जी, यहाँ भी कर ली, फिर रिकू के घर की प्रोडक्शंस दो, मतलब रीमा जी की माय एल्डर सिस्टर, उन्होंने लिखी थी ना साजन फिल्म, उन्होंने साजन उसने लिखी, याराना, हाँ वो उसकी मोहब्बत, बहुत फिल्में की है उसने, खुद की फिल्म प्रोडक्शन सलमान माधुरी की, दिल तेरा आशिक, रिटन बाय रीमा, produced by Riku and directed by Lawrence D'Souza. Okay. तो ऐसे काफी किए हैं, और amazing actress है, amazing actress, growth, growth, जिसको होता है ना शुरू से growth, मतलब मैंने जहाँ से देखा start होते थे होते और कहाँ तक पहुँचे, जो मेहनत की है, same was with even Priyanka, Priyanka Chopra, Chopra, हाँ, बिकॉज हम लोग असंभव कर रहे थे राजीव राय की, अच्छा, तो उस टाइम उसकी शुरुआत ही शायद हुई थी ऐसा, जी, शी ऑल्सो ग्रू इमेंसली,
तब्बू, तब्बू ने भी एक एक मतलब फ्रॉम अ फर्स्ट फिल्म दे वर्कड हार्ड एंड दे काफी यू नो जैसे होती ना मेहनत जिसको रंग लाती है फिर कहीं ना कहीं। हाँ ये है कि कभी कभी ऐसा एसिड की नहीं होता तो फिर बट इफ यू आर इन दिस लाइन नेवर लूज होप, कभी भी क्या हो सकता है यू नेवर नो। दिस वन रोल, दैट्स व्हाट अमरीश यूज्ड टू से, एक रोल चाहिए। अब मैं भी देखना कितने एज के बाद आया था, ही केम वेरी ओल्ड इनटू द लाइन बट एक रोल मिला। सेम थिंग वॉज विद प्राण साहब, प्राण साहब विलन 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 विलन, किसी ने आज तक अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा है, ना उस टाइम रखा था ना अभी रखता है कोई प्राण। एक रोल मिला जिससे फ्रॉम अ विलन टू अ पॉजिटिव एक्टर बन गए, मलंग बाबा उपकार, उसके बाद टोटल इमोशनल रोल मिलने लगे उनको, जस्ट लाइक अ सेकंड हीरो और वो जो पॉजिटिव इमोशनल रोल्स। सही, वक्त का भी एक तकदीर, बोल रहा हूँ तकदीर का सारा खेल है, वक्त की हेरा फेरी है, न तेरी है न मेरी है। जी अच्छा, अब आपने पांच जो आपके, वैसे तो काफी फिल्में आपकी सुपरहिट रही है, लेकिन जो पांच आपके बेहद पसंद किए जाने वाले फिल्म है उसके सेट पे कोई ऐसे इंसिडेंट हो वो मैं बताइए। जैसे सुरक्षा 1979 आपने मिथुन और रंजिता के साथ काम किया, कोई ऐसा उस शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट? कुछ नहीं, उसमें तो मतलब यही था कि काम करते रहते थे, वो ऐसा देयर वाज नथिंग, क्योंकि वो फिल्म पहली थी आपकी तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस सब ने मतलब एक दूसरे को जान पहचान थी नहीं किसी की ना, मेरी प्रेमा नारायण के साथ थी जो काम, मेरा मिठुन के साथ, मिठुन को फिर पहली बार मिठुन से मिली तो वो ही एक्सपीरियंस। पहली बार मिठुन हमारे घर आ चुका है पहले। अच्छा। इंस्टीट्यूट के बाद हमारे यहाँ जब घर पे पार्टीज होती थी झू पे, एंड ही वाज स्टिल वेरी क्लोज टू, मतलब रंजीता भी वहाँ की थी इंस्टीट्यूट की, और रिक्कू से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले। अच्छा। तो उस तरीके से घर भी आया हुआ है हमारे पहले, एंड वहाँ पार्टी वार्टियों में डांस वांस करना ये वो सारा इसका हिस्सा रहता था। सो ऐसे फिल्म के दौरान इंसिडेंट कोई खास नहीं होते थे, बाकी ये था कि बहुत से हीरोइन को रुलाया था हम लोग ने। अच्छा। हाँ हम मस्ती करते थे, ऑफकोर्स विद दी वो हीरोज के साथ मिल के ही होता था। इस फिल्म के सेट पे तो इसमें तो रंजीता थी तो? नहीं इसमें नहीं, अदर हीरोइन। कौन से फिल्म? ये रिचा आग ही आग, वो भी सुपर डुपर थी, तो मतलब एक फाइटर था उस्मान, अभी भी है। तो उसको वो बेवड़े की एक्टिंग करता था अच्छी, वो सब प्रोड्यूसर फाइट मास्टर हीरो मिलके क्या जिसको रुलाना है। कौन थी वो एक्ट्रेस? एक तो रिचा थी, पद्मिनी थी, टीना थी, टीना मुने, पद्मिनी कोलापुरी। हाँ, इनको मालूम ही नहीं पड़ा कि शक्ति और उसको जेन्युइनली मारने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब प्रैंक हो रहा था। बहुत मस्ती करते थे। कौन सी फिल्म की बात है? ये है एक फिल्म थी तुषारम, इंसाफ मैं करूंगा। अच्छा। राजेश खन्ना साहब हीरो थे, टीना, पद्मिनी कोल्हापुरे, शक्ति कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब थे। बहुत अच्छी फिल्म थी, अबाउट द आर्मी बैकग्राउंड पे थी जी। तो उसमें दोनों को हमने ये सब प्रैंक किए थे, मस्ती बहुत करते थे हम लोग से। राजेश खन्ना जी का कैसा नेचर था, आपने काम किया उनके साथ तो? ये सुपरस्टार अपने टाइम का, ये कि सुपरस्टार का लफ्ज ही उनसे शुरू हुआ जी। बट थोड़ा सा हो ही जाता है वो, मतलब आपने तो देखा है अपने आंखों से, आपको आपके नजरिए से क्या लगता है कि राजेश खन्ना जी का डाउनफॉल क्यों हुआ? ना आगे आता है आदमी तो पत्थर ऊपर जाएगा, नीचे तो आता ही, एक होता है कि स्लो आता है, मे बी थोड़ा सा एटीट्यूड आ ही जाता है। देखिए इफ यू आर अ सुपरस्टार ना तो एटीट्यूड थोड़ा तो आ ही जाता है, बट वही शायद पॉसिबिलिटी थोड़े से मतलब एरोगेंस होती है तो, बट बेसिकली इट इज अ टाइम, नहीं चलता ना, द ओनली थिंग जब नहीं चला तो फिर एकदम गिरे ऊपर से सीधा। अब धर्म जी कैसे देखिए, स्लोली स्लोली आए, नहीं चला तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जीतू जी भी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सबके साथ सारे सुपरस्टार अपना काम किया, सबको नीचे उतरते भी देखा, इसलिए मैं आपसे आपकी जुबान से जानना चाह रही हूँ कि आपने बहुत नजदीकी से काम किया है तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा उनके डाउनफॉल का रीजन? नहीं डाउनफॉल का रीजन है कि मतलब जब नहीं चलती है फिल्में तो डाउनफॉल आता ही है, किसी का भी आता है,
एक दौर आ जाएगा आपका जब आप इतनी शिखर पे हैं, उसके बाद एक वहां तक रहने के बाद वहीं मेंटेन करके जाना, मतलब इस मतलब वो आपकी किस्मत एकदम ही ऐसी लिखी होनी चाहिए. अदरवाइज विद एज एंड एवरीथिंग यू हैव टू कम डाउन. द ओनली थिंग इज यू हैव टू कम बैक. वो आप कितनी फास्ट या स्लो आते नीचे, ये आपके ऊपर है और अपने जो तकदीर लिखने वाला है उसके ऊपर बात कर. जंगबाज में था, मरते दम तक था, पूरी सारी फिल्म में राजकुमार जी के साथ. तो राजकुमार जी का एक किस्सा है गोविंदा के साथ, इसी फिल्म के सेट की बात बता रही हूँ कि गोविंदा ने एक शर्ट पहना हुआ था, राजकुमार जी को बहुत पसंद आई थी उनकी शर्ट, तो गोविंदा को कहा कि मुझे पसंद आ रही है, तो गोविंदा ने शर्ट उतार के ग्रीन रूम से कुछ और पहन लिया और जाके उनको दे दिया. अगले दिन जब राजकुमार जी आते हैं, दो तीन दिन बाद जब सेट पर आते हैं, तो वही शर्ट जो गोविंदा ने दी थी उसका वो रुमाल बनाया हुआ था और उसे नाक पोंछ रहे थे और गोविंदा ने वो देख लिया था. उसके बाद गोविंदा ने फिर वापस कभी काम नहीं किया. ये किस्सा बहुत जग जाहिर है काफी जगह पे. तो क्योंकि आपने राजकुमार जी के साथ काम किया, गोविंदा के साथ ही हमारे घर से ही बनाया नियरली, तो आपने वो एटीट्यूड कुछ था उनमें राजकुमार जी में. राजकुमार जी वाज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. कैसे थे आपके इस जुबान से जाना, थोड़े अलूफ थे, रहते थे थोड़ा, दैट्स ऑल. उनका एक स्टाइल था अलग, वो उसमें हम्बल नहीं थे. हम्बल नहीं, हम्बल तो मतलब इन द सेंस इट वाज नॉट इजी टू कन्वर्स विद हिम, यू हैड टू नो हिम टू रियली. अब मेहुल कुमार ने कितनी फिल्में की हैं जी. अब मेहुल के साथ ये इंसिडेंट हुआ है जो आप बोल रहे हैं. मैं भी था मरते दम तक में भी था, जंगबाज में भी था, बट अगर ये इंसिडेंट जो आप बोल रहे हैं ऐसा होता तो मेहुल भाई तो मुझे इमीडिएटली बता देते, लेकिन मैंने भी सुना नहीं है. पर ये काफी जगह है, अगर आप देखेंगे गूगल पे तो. मैं पूछ लूंगा ये मेहुल भाई से, पूछूंगा. ही वाज द डायरेक्टर एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. गोविंदा से नहीं पूछूंगा क्योंकि वो भी घर से ही मतलब नहीं, बच्चा जैसा ही था जब निकला था. अच्छा, आपने धर्मेंद्र जी के साथ भी काम किया, सनी देओल के साथ तो बहुत काम किया है दोनों में. बॉबी से भी किया, बॉबी तीनों के साथ ही तो बताया. मैंने अभी वही सनी को बोला कि यार वो करण के साथ रह गया था यार. तो चलिए, ये तो राजकुमार जी ने जो भी किया गोविंदा के साथ. अब आप ये बताइए कि गोविंदा जो इतने बड़े सुपरस्टार थे 90s के जमाने में, उनका डाउनफॉल ऐसा क्यों हुआ? काफी शिकायतें सुनी जरूर है उनके, टाइमिंग के पक्के नहीं थे थोड़ा, आप बताइए. गोविंदा ने हमारे नियरली घर से ही किया था बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जू में जब हम रहते थे तो उन जो नेबर थी हमारी, उनकी बड़ी बहन थी पद्मा जी, तो घर पे आया करता था गोविंदा. और रिक्कू उस टाइम वाज लुकिंग आफ्टर अनिल कपूर, माय ब्रदर इन लॉ. बट क्योंकि पद्मा जी जो उनकी बड़ी बहन थी, वो ऐसे घर मतलब सेम फ्लोर पे एक दीवार ये हो तो बैठना खाना ना. और निर्मला जी भी आती थी, शी वॉज नोन टू माई मदर. हेमा जी, सप्रू साहब की तो डेथ हो चुकी थी लेकिन मम्मी के साथ काफ़ी बातचीत थी उनकी. तो बोलती थी कि बहुत टैलेंटेड है ये वो, एंड रिक्कू फाउंड समथिंग रियली टैलेंटेड इन दिस बॉय जो शुरू में आया था. तो पहलाज नीलानी वॉज मेकिंग फिल्म्स, काफ़ी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे अपने टाइम के, एंड दो फिल्में उन्होंने कर भी ली थी. और अभी सेट के अभी मिठुन के साथ नहीं, मेरे को एक यंग लड़का चाहिए जो एक्शन भी करे डांस भी करे ये वो. तो रिकू ने बोला मैं तेरे को लड़का मिलाता हूँ, तू देख ले तेरे को अच्छा लगेगा. तो एंड दैट इज़ हाउ जब ये चिची बुलाते हैं, मैं तो आज भी चिची बुलाता हूँ, गोविंदा बुलाते ही नहीं मैं उसको. वो घर पे तो आना जाना रहता ही था उसका, तब विरार में रहते थे, बट ही वॉज हियर क्योंकि सिस्टर बाजू में रहती थी तो वहाँ भी आ जाता था ना, हमारे घर में भी झू पे आता था. तो रिक्कू आई स्टिल रिमेंबर टू हिम ऑन अ बाइक, रिक्कू हैड अ बाइक दैट टाइम टू मीट पहलाज नीलानी को. तो उसने पूछा डांस वांस आता है, एक्शन आता है, बोला कैसेट लेके गया था. मतलब इतना मेहनत कर चुका था पहले, उसने ऐसे कैसेट लगाया, गाना चालू हो गया और उसके सामने ही शुरू हो गया डांस वांस. तो डांस वांस करने लगा और पहलाज को बहुत अच्छा लगा, दैट इज हाउ ही गॉट इल्जाम. उसकी पहली फिल्म जो उसके मुन्नू मामा बोलते थे अपने आनंद जो प्रोड्यूसर था, वो चली नहीं थी शायद. फिर एक फिल्म उसने की शायद प्राणलाल मेहता के साथ,
तो ऐसा करके एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड. फिर उसके बाद बहुत बड़ा एक्टर बन गया. उनका डाउनफॉल क्यों लगा, क्यों आया? क्योंकि उनके एटीट्यूड के बारे में सुना है हमने कि वो पंक्चुअल ही रहते हैं. वो तो पूरी इंडस्ट्री जानती थी, ये स्वभाव था उनका. वो पता नहीं लेट हो जाता था और फिल्में इतनी कर ली थी उसने, तो एक को टाइम देते हुए शायद नहीं पहुंच पाता था वहाँ. एंड लॉट ऑफ पीपल हैड टू वेट. तो आजकल क्या हो गया था कि एक तो ज्यादा फिल्में कर ली, ओवर कमिट कर लेते थे. हाँ, तो फिर अगर एक प्रोड्यूसर वेट कर रहा है, अगर वन एट वक्त पहुंचा, आठ घंटे में अगर दो घंटे दिए, तो डेफिनेटली फिर लोग बातें करने लगते हैं जी. तो उस हिसाब से और लोग वो सारा, ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है बस. मतलब मजाक में तो अमित जी और वो मुकुल आनंद भी बोलता था कि वो रजनी जी और वो तो पहले, अमित जी से पंक्चुअल तो कोई है ही नहीं जी. वहाँ आउटडोर में भी ये लेट पहुँचता था थोड़ा. अच्छा. बट इसका था कि ये लेट ही प्रॉब्ली इज टू स्लीप लेट एंड रीच लेट. बट फिर भी चला है, सुपरस्टार नियरली बन मेरे हिसाब से. लेकिन आज भी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर इज गोविंदा. इज गोविंदा जो टाइमिंग जो उसका है, बट फॉर अ मैन हुज लाइक दिस टू कम डाउन, कुछ खामियां तो होंगी ना. क्या था वो खामियां जो मतलब इतना टैलेंटेड होने के बाद भी लोगों ने लेना बंद किया? दैट मस्ट हैव हर्ट पीपल ना. You must have rubbed them the wrong way, producers. Very true. और ultimately तो वही है ना, जब तक आपका सितारा बुलंद है और आप सही हैं, और अगर आप थोड़ा सा ऐसा तंग करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है शायद. Producers then start taking other choices. नहीं तो इतना talented आदमी है आज भी, बहुत कम लोग इतने talented होते हैं. But to lose that स्टेटस, इतनी हिट फिल्में भी दी है. कितनी हिट फिल्में दी है उसने? बहुत बहुत, अनगिनत. येट अभी एक्टर्स हुआ लेसर, मतलब इन कंपैरिजन जी, आर डूइंग बेटर जी. आपने नाना पाटेकर जी के साथ भी काम किया है? नाना के साथ किया है, एक फिल्म है चंद्रा की जी. बट उसमें मेरे और नाना के सीन्स नहीं थे, मेरे माधुरी और वो दूसरा जो हीरो था. नाना के साथ मेरा डायरेक्ट नहीं हुआ है कोई फिल्म. अच्छा, डायरेक्ट कोई नहीं. नसीरीन शाह के साथ तो किया है आपने? नसीर के साथ किया है, राइट फ्रॉम त्रिदेव, विश्वात्मा, मोरा और गुप्त में नहीं था वो. गुप्त में ओमपुरी को दे दिया था वो रोल. अच्छा. उसका वजूद से भी आया कि सतीश के चौथे पे भी चंद्रा मिला था. अभी इस तरीके का ही है जिंदगी अल्टीमेटली. तो वो जितनी मैंने बताया ना आपको, जितनी लिखी है वही उतनी मिलती है. अच्छा, अभी ये बात करते हैं कि आपने तमाम फिल्में की, कोई ऐसी फिल्म जो आपने कर दी, साइन कर दी, कर भी लिया लेकिन बाद में रिग्रेट हुआ हो? दूसरी चीज़ ये कि किसी फिल्म के बारे में आपको कहा गया हो कि ये जो है मत कर, लेकिन फिर भी आपने कर ली लेकिन रिग्रेट किया. कोई फिल्म आपने छोड़ दिया, नहीं किया लेकिन बाद में सुपरहिट हो गए, तो दोनों चीज़ें बताइए. उस तरीके से तो नहीं है कुछ. हाँ, एक ये था कि एक फिल्म करने वाला था जिसमें संजू चंकी और गोविंदा थे, प्रोड्यूसर चौधरी था एंड अजय कश्यप डायरेक्टर था. सब जी, कुछ हो गया था जी. उसके बाद रामा नायडू की एक फिल्म कर चुका था मैं जी. उसमें जीवन एक संग्राम करके ऐसे उन लोग बना रहे, जिसमें माधुरी और अनिल थे. हाँ. डायरेक्टर राहुल रवेल था. तो राहुल रवेल को कुछ पता नहीं मेंटल ऐसा था कि मैंने बेताब जो सेकंड जो रोल था उसमें एक यंग विलन भी था. हाँ. प्रेम चोपड़ा का वो लड़का थोड़ा ही काम करके चला गया था जी. कि वो मैंने रिफ्यूज की थी. आपने रिफ्यूज की? हाँ, उसके जहन में पता नहीं. अच्छा, ये अच्छा. बात थी, जबकि जानते हम अच्छी तरह से हैं मेरे फादर रवेल साहब, जब बांद्रा में दोनों रहते थे तो घर में आना जाना भी था. उसके जहन में पता नहीं कैसे किसी ने बोल दिया था या क्या कि ये तेज ने ये रिफ्यूज किया. अच्छा. रिकू तभी माधुरी का सेक्रेटरी था तो उसने क्लियर भी कराई थी बात. मैंने जाके मिला, मैंने तेरे को बोला, मैंने किसने बोला ये तो बता. मैंने मतलब मैं पोजीशन में भी नहीं था कि ऊपर से पाजी की फैमिली है, रिस्पेक्ट एंड लव द मोस्ट,
धर्म जी की लाइट फ्रॉम माय फादर, प्रीति के मेरी छोटी बहन के रिलेशन विद प्रकाश जी, एंड यू नो इट्स उनके साथ कितने दिनों के बाद मिलो, इट फीलिंग इज लाइक दिस विद बॉबी एंड सनी. तो मैं मेरी पोजीशन ही नहीं थी किसी वो चीज़ रिफ्यूज करने की, तेरे जहन में किसी ने डाल दिया है. बात वहाँ आई गई होगी तो मुझे लगा मैटर सॉल्व हो गया. अब ये फिल्म में डेट्स आई रामायणाडू की, तो वो इस फिल्म से कोलाइड कर रही थी. अच्छा. जो अजय कश्यप और चौधरी की, जिसमें मेरे तीनों नहीं नहीं हाँ जीवन एक समय वो अनिल माधुरी की, और इधर संजू ना गोविंदा, और ये जो बन रही थी चौधरी की फिल्म जो बुखाड़े साहब के ब्रदर इन लॉ थे. क्या नाम था इस फिल्म का? नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो मैंने नियरली बातचीत हो गई थी. गोवा आउटडोर में मजा करेंगे, और संजू वैसे ही जहाँ रहता है मस्ती हमारी, सिंस वी बोथ नरगिस जी की फिल्मों में डैड वॉज द हीरो रोमियो जूलियट में, संजू के साथ भी बहुत ऐसा था. तो ये जब डेट आई तो इसका थोड़ा सा क्लैश जैसा हो गया था. चॉइस था कि वो करूँ या ये करूँ. उसमें एक हीरो के ऑपोजिट नेगेटिव सॉलिड था, इसमें तीन हीरो थे और भी दो तीन नेगेटिव थे, बट दिल नहीं मान रहा था कुछ, क्योंकि मुझे लगा कहीं कुछ ऐसा खटक रहा था, बट स्टिल आई ऑप्टेड फॉर दैट. वंस आई रीच देयर, मैंने जबकि डेटें भी क्लियर करके दे दी थी नायडू साहब, सुरेश नायडू वाज हैंडलिंग दैट टाइम, क्योंकि इतना दिन मेरे से मांगे थे, चार दिन फर्स्ट शेड्यूल के लिए, बाकी क्लियर था. 18, 19, 20, 21 ऐसा मतलब मैं दे रहा हूँ या मैं फिल्म छोड़ रहा हूँ. वो मैं गया 17 को पहुँचा, मैंने पूछा उसके असिस्टेंट से राहुल के, यार कल से एक्शन सीक्वेंस शुरू कर. नहीं कल से नहीं कर रहे हम लोग, शायद परसों से करेंगे. अच्छा, मतलब वो टाल रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट. बुलाने के बावजूद 18 नहीं की, 19 नहीं की, 20. अब मैं बोले ये दो दिन में एक्शन तो कर ही नहीं सकता, और उसकी नेक्स्ट जो डेट थी वो टी रामाराव साहब की थी जी. वो भी साउथ के थे, यहाँ प्रतिकार कर बड़ी फिल्म बन रही. तो मैं बोला यार इसके चक्कर में तो मेरी दो फिल्में छूट जाएंगी. हाँ. और मैंने जब आपको कमिटमेंट दिए चार दिन की, एक दिन एक्स्ट्रा चलो पांच दिन में संभाल लूंगा जी. उसने फर्स्ट तीन दिन मेरे साथ शूटिंग ही नहीं की. अच्छा. उसके जहन में ये था कि इसको बाहर निकालूंगा, दूसरा कोई आएगा. तीन दिन राहुल रवेल की, फिर आपकी दूसरी फिल्म भी छूट छोड़ दिया मैंने. वो भी छूट गई, ये भी छूट गई दो. तो दैट इज एक मेरे मेंटल में बहुत, हालांकि फिल्में तो आती रही जाती रही, लेकिन ये था कि ये ऐसा लगा मुझे कि जानबूझ के किया. ये गलत हुआ, ये पॉलिटिक्स चलती है बॉलीवुड में, तो अब तो और भी ज्यादा है. चलती होगी, बट मेरे साथ ये इंसिडेंट जो है मेरे जहन में बहुत क्लियर है जी. कि एक का वो नहीं था तो बोल देते मैं इनका शेड्यूल करके आपके पास आ जाता. दोनों फिल्में वो नहीं किया, दोनों हाथ से चली गई, बट और मिल गई, 300 कर लिए. अब हम लोग अपने एक ऐसे सेगमेंट पर आ गए हैं जहाँ पे आपको रेटिंग देना है इन एक्टर्स के, क्योंकि आप इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है और ये सब अपने ज़माने के सुपरस्टार्स रह चुके हैं, तो आप इनको रेटिंग दीजिए और बताइए कि क्यों, आपके हिसाब से इनको आपने ऐसे रेटिंग क्यों दी है. सो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, रजनीकांत. जो पाँचों नाम ले रही हैं ना, ये जैसे आपने कहा कि ये सुपरस्टार्स हैं और सब सबके अंदाज अलग अलग हैं. मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया है, बच्चन साहब के साथ किया है जी. राजेश खन्ना साहब के साथ किया है, रजनीकांत के साथ किया है, शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया. बट ये चारों को गजगामनी में थे ना शाहरुख के साथ. हाँ गजगामनी में, लेकिन सामने आमने नहीं थे. जी. और पांचों सुपरस्टार हैं, फिर भी एक रेटिंग. नहीं रेटिंग मैं भी आपको बता देता हूँ कि रेटिंग कैसे नहीं होती है. अभी हमेशा आपने देखा है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स होते थे पहले भी जी. अगर कोई एक्टर नंबर वन जिसको बोले कि हम इसको रेट करें नंबर वन, तो फिर उसकी नेक्स्ट फिल्म में दूसरा एक्टर अवार्ड क्यों लेके जाता था. एक में शशि जी को मिलता था, एक में शम्मी जी को मिलता था. सो नो एक्टर इज एवर अ कंप्लीट एक्टर.
एक्टर कंप्लीट हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। अब अगर आप वैसे थ्योरी निकालने जाएंगे तो दिलीप साहब को बोलते हैं कि ही इज दी, वहां से शुरू हुआ है एक्टिंग के उनके स्टाइल। यू विल फाइंड लॉट ऑफ छोटे दिलीप कुमार सिन्हा लाइन विदाउट नेमिंग, बट एक होता है ना सर्टेन सीन के बाद उस जहन में वही जाता है। तो दिलीप साहब इज ऑफकोर्स वेरी गुड, बट यू कैन नॉट कंपीट विथ राज कपूर इन हिज जिस देश में गंगा बहती दो सॉर्ट ऑफ रोल्स विच ही कुड डू, ही विल नेवर बी एबल टू डू। तो मेरे हिसाब से देर इज नो नंबर वन एक्टर, इट इज द रोल। एवरी एक्टर इज गुड। आप बोल सकते हैं कि अपने फील्ड में दिलीप साहब, अमित जी, काका जी, मतलब जो मैंने स्टार सुपरस्टार का लफ्ज जो आप बोल रहे हैं जी। इनके सबके साथ मैंने काम किया है, लेकिन जो राजेश खन्ना की फॉलोइंग थी वो इनमें से किसी की भी नहीं है। तो नंबर वन पे रख दे राजेश खन्ना जी को, आप उस हिसाब से रखना चाहते हैं तो रख लेते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि मैं नहीं दे सकता ये रेटिंग्स कभी, क्योंकि अच्छा। कोई रोल जो है एक पर्टिकुलर एक्टर है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो बेसिकली इट इज द रोल। आप ये दो हीरोज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखते हैं कि वो क्या है, कि तू मेरा रोल क्या है, वो सुना उसका रोल क्या है जी। एक्टर वो दोनों टॉप के हैं हाँ। लेकिन वो जो रोल उसमें से जिसमें ज्यादा मीट है वो ले जाता है जी। तो इट इज द रोल फर्स्ट रिटर्न, अदरवाइज सारे अच्छे एक्टर है। कौन ये जो सुपरस्टार्स बने इसमें से कौन कम है? तो आप रेटिंग नहीं, नहीं दे सकता। तो ये तो सेगमेंट हमारा पूरी तरह से सर ने खारिज कर दिया। खारिज नहीं किया, एक एजुकेशन दी है कि ये सेगमेंट होना ही नहीं चाहिए। कॉफी विद कर्मी करण जौहर को ये जरूर बिल्कुल दीजिए, उसको दीजिए ना, क्योंकि द बेसिक थिंग इज अगर आप बोलते हैं कि ये मैं अपनी तरफ, हाँ अगर आप मेरी लाइकिंग पूछेंगे जी कि कौन है, तो लाइकिंग मतलब कि ठीक है चलो मेरे हिसाब में से लाइकिंग में मैं जाऊंगा तो इनमें से कोई नहीं है। मेरी लाइकिंग है शम्मी कपूर। मैं अब ऐसे पांच एक्ट्रेसेस का नाम लूंगी जो सुपरस्टार थी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनमें से कोई आपकी होंगी जिसको पसंद करते हैं, देखते हैं फिर हाँ, आप मेरे को सारे आप बोलो मैं सारे। अब मैं एक्ट्रेस का लिस्ट शुरू करती हूँ क्योंकि आप रेटिंग तो देंगे नहीं, देखते हैं आपकी फेवरेट वाली का नाम मेरी लिस्ट में है कि नहीं। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही, काजोल, दिव्या भारती, is your favorite in on the list? yeah hai favorite in the sense again I'm saying maine sabse kaam kiya hai ha bilkul tabhi to main naam le rahi hu ha but meri favorite in me se was madhuri so guys humne is list mein inki favorite ka naam shumar kiya hai ha so, matlab ab wo ho sakta hai kyunki maine shree ke sath bhi kaam kiya hai ji juhi bhi likha hai aapne juhi bhi likha hai juhi ki first film saltanat mere sath thi ji to ये आगे काम नहीं किया एंड देव ऑल ग्रोन टू बी। दिव्या की थी ये अपना विश्वात्मा उनकी पहली फिल्म थी। जरा दिव्या भारती के बारे में आप बताइए, आपने काम किया है वो रही बहुत नहीं। बहुत छोटा सा मतलब इंटरेक्शन आउटडोर्स में हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं, बट शी वाज फॉर हर दिस शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ना या शी हैड इन इट कि वो बन जाती अगर और हाँ सो माधुरी से सबसे ज़्यादा काम किया है एंड आई हैव ऑल्सो सीन हर ग्रो फ्रॉम यहाँ टू ये। जैसे मैं आपको पहले कहा था कि देर सर्टन एक्ट्रेसेस जो आई थी बिल्कुल नहीं बट देव ग्रोन। प्रियंका चोपड़ा, हाउ वाज हर नेचर देन? लाइक सुपर्ब, हम्बल, नाइस। हाँ हाँ, वेरी हम्बल एंड नाइस एंड शी यूज्ड टू स्टे इन द सेम सोसाइटी वेयर माई ब्रदर इन लॉ लिव्स, राज क्लासिक। एंड शुरू में आउटडोर्स में जब असंभव के हम लोग गए थे स्विट्जरलैंड जी, very nice person and she grows. आज प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल आइकॉन है, आपने उनको बाहर से बनते यहाँ देखा है, क्या कहना चाहेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में? Hats off to a lady and कुछ भी आप वो शिखर तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो था लक है। प्रियंका में वो हार्ड वर्क था, हार्ड आप देखिए ना उसकी परफॉर्मेंसेस फ्रॉम अन असंभव वेयर नो रोल से स्लोली कर दे। आप उसकी हर परफॉर्मेंस हर फिल्म में नोट कीजिए, इट इज अ स्टेप अहेड। करेक्ट, सेम विद माधुरी। श्री तो प्रिपेयर्ड आई थी ना,
चाइल्ड आर्टिस्ट से करते 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 तमिल तेलुगु ये सब करके उसके बाद हिंदी में आई श्री. एंड शी हैज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिकॉज हर वो चाइल्ड आर्टिस्ट की फिल्म थी. प्रीति की भी पहली फिल्म थी मेरी छोटी बहन की जी. सुनहरा संसार वे हिमाजी वॉज प्लेइंग दी विलन जैसे लेडी जो रिवेंज लेने आती है. सो श्री वॉज यंगर टू माई सिस्टर ऑल्सो दैट टाइम. बोलती एक छोटी सी लड़की आती थी जी. वो शी इज वर्क कितना काम किया उसने बेचारी ने. एंड नंबर वन रह चुकी है वो भी ऐसा जी बिल्कुल नहीं है कि जी बिल्कुल. अब विलेन तो आप बहुत मशहूर विलेन रह चुके हैं दुनिया जानती है लेकिन आपके एक फेवरेट ज़रूर होंगे कोई. मैंने वो लिस्ट बनाया है देखते हैं आपके फेवरेट विलेन मेरी लिस्ट में है या नहीं. अमरीश पुरी अमजद खान डैनी डेंजिगप्पा प्रेम चोपड़ा प्राण. They all such lovely people. I know and that. All of them just I look one. up to. कि सारे और सबके साथ मैंने काम किया. अब मेरे तो प्राण साहब ही हैं. प्राण साहब हैं. ठीक है. तो चलिए इस लिस्ट में आपके फेवरेट का नाम भी. नहीं दो. I would have been more closer to Amrish ji and Prem ji. मस्ती इतनी करते हैं हम लोग. So they are all. But my underline still stays. That. Certain roles are the roles which make you. Actors are सारे डैनी ने भी इतना अच्छा काम. डैनी इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी. इन सभी के ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो आपको करने में मजा आता काश वो आपको मिला होता या उस जैसा. वो तो देयर इज नो रोल लाइक अमजद भाई इज वो गब्बर सिंह. गब्बर सिंह अमजद भाई हैड अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड यू वर्कड विद हिम ना. टेल अस द एक्सपीरियंस. नो वो भी किया है दो तीन फिल्में की है साथ में लेकिन वही होता ना छोटा साइड में वो उनका उसके साथ है मेरा इसके साथ है उस तो अलग अलग हो जाता है. बट ऑफ व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट विद फ्रॉम अदर्स आल्सो ये वो इज अ वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था उनका. इज अ वेरी जोवियल गाय. वाओ ऑल ऑफ देम जितने भी. डैनी इनफैक्ट इज वन गाय हु इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सन आई हैव मेट. द मोस्ट इन में से इतना तो बोल दूंगा द मोस्ट स्टाइलिश. Yeah, most stylish person to, and we have a lot of outdoors we have done. So, and total man of nature. मतलब हम लोग riding करते हुए बाहर भी गए हैं. You know, घोड़ा मिल गया तो दोनों ही riding करके camps लगा देना. उधर ही barbecue करना. You know, this sort of thing. Yeah. That way, Danny. डैनी गंजप्पा. वाओ. अच्छा हमने फिल्मों की बातें बहुत कर ली. आपके पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस कॉमेडियन विलेन सब की बातें कर ली. अब हम जानना चाहते हैं ऑडियंस जानना चाहती है कि तेज सप्रू जी की जो निजी जिंदगी रही जो उनका एक प्रेम प्रसंग रहा कैसे आपको रेखा जो इतनी बड़ी सुपरस्टार है उनकी छोटी बहन धन लक्ष्मी जी जो काफ़ी कम बोलती हैं नाजुक हैं बहुत दिल की बहुत खूबसूरत इंसान है कैसे उनसे मिलना हुआ आपका प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ रेखा जी को जब पता लगा आप दोनों के बारे में उनका क्या रिएक्शन था बताएं. रेखा जी से मतलब मैं मिला था बहुत अरसे पहले. मैंने उस बैंक में था जब जी. आई वाज नॉट इन द फिल्म लाइन तो थ्रू बेसिकली माय कजन किरण कुमार जी. सो We used, three of us used to go out all the time shootings mein jab Kiran ko bhi milta tha. That is how I came to know Rekha ji aur main unke ghar jata rehta tha. Lakshmi was too younger of the lot usme to shuruaat mein kabhi aisa tha hi nahi zindagi zehen mein. She became more friendly to my sister Preeti than Lakshmi. Uski ek hi cheez mujhe bahut pasand aati thi kam bolti thi ye wo. और कॉलेज में भी वो साड़ी पहनती थी. द वे शी यूज्ड टू वेयर हर साड़ी आज तक आई हैव नॉट सीन अ वुमन वेयरिंग अ साड़ी विद सच ग्रेस. वाओ. और टेकर शी इज वेरी सिंपल लेडी. तो मैं सोचता था यार कि पीपल वांटेड इवन माय डैड दैट टाइम कि शी इज सच अ सोबर गर्ल यू एंड आई वाज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट मैन. तो कॉलेज टाइम में आई वाज वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड वो एज भी ऐसी रहती है प्लस कॉलेज का नंबर वन स्पोर्ट्समैन प्लस बैडमिंटन भी क्रिकेट कैप्टन भी और एथलेटिक चैम्पियन भी है वो. तो वो माहौल में देखता कम था. शी यूज्ड टू कम होम
तो प्रीति से दोस्ती हो गई. देन डैड यूज टू लाइक हर सिंपलिसिटी टू मच. बोले ये दूसरे लड़की मतलब मॉडर्न होता है ना. सप्रू साहब भी मतलब पुराने ख्याल के थे तो ये कौन सी कौन सी लड़कियों के साथ घूमता रहता है ये वो ऐसा क्या. तो वो सिलसिला चलता रहता था फिर. बट अल्टीमेटली आया कि ऐसा आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई. तो इनकी मदर बहुत चाहती थी मुझे लक्ष्मी की पुष्पावली. प्लीज आप बहुत आपको चाहती है. मैंने चाहती तो है लेकिन मुंह से बोलते नहीं है. चाहती है ऐसा था. बट ग्रेजुअली थिंग्स हैपेंड एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई डिड इन माय लाइफ. शी इज द वन. शी इज एन अमेजिंग लेडी. आज तक मुझे कभी पूछा नहीं कहाँ जाते हैं लेट आते हैं. खाली ये बता दो कब आते हैं. बिकॉज शी इज सीन एवरीथिंग दैट हैड टू बी सीन बिफोर मैरिज. एंड शी कुक्स अमेजिंग फूड आल्सो. अमेजिंग मतलब मेरे घर में मतलब खाना मेरी मदर. अमेजिंग कुक. एंड देन लक्ष्मी एक ही चीज बताऊंगा. शी केम टू नो कि आई एम फॉन्ड ऑफ आई एम अ फूडी बिकॉज माय मदर वाज सच अ गुड कुक. शी डिड ऑल क्लासेस बिस्किट्स पेस्ट्रीज कॉन्टिनेंटल कुकिंग. ये कुक द वर्क्स. जितने भी कुकिंग में डिशेज हैं जिसको आप मदर से भी उसकी मदर वॉज अ वेरी गुड कुक. सबका कंकॉक्ट करके खाना बनाने में उसको बोला खाना अगर इनको अच्छा मिलेगा ना तो बेस्ट वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक. तो वो उसने फॉलो किया. रेखा जी का क्या योगदान रहा है. उनको जब पता लगा है तो उनका क्या रिएक्शन था. इनिशियली नहीं था बिकॉज आई वॉज मैरिड अर्लियर. दैट मैरिज डिडंट गो थ्रू. सो ऑब्वियसली शी वॉज एनी बडी वुड बी वरिड कि ये है. एंड दैट मैरिज वॉज बैक फायरिंग. सर्टन थिंग्स हैपेंड विच मी एंड माई एक्स वाइफ डिडंट अग्री ऑन. एंड दैट टाइम रेखा सेड शी न्यू कि लक्ष्मी वॉज इन लव विथ मी. तो वहाँ चली गई थी वो अमेरिका में जो लक्ष्मी से बड़ी बहन है वहाँ की. उसकी शादी अभी करा दो फायदा नहीं है. तेजू की शादी हो चुकी है. बट वहाँ वो लड़कियाँ दिखाती थी इनको कुछ डॉक्टर्स और ये वो. बट शी वुड नॉट अग्री टू इट. एंड देन यहाँ मेरे रिफ्ट जो था एक्स वाइफ के साथ वो बहुत हो गया था. फैमिलीज वालों को भी पता था कि ये भी लास्ट नहीं करेगा. सो आई वेंट टू द कोर्ट एंड देयर प्रीति एंड माई फैमिली एंटायर फैमिली. Whether it was Riku, it was Reema, my mother, and they were like, they talked to him कि मत करना शादी वहाँ किसी से. ये तोड़ेगा ये यहाँ इसकी टूटने वाली है. And once it breaks, you come over. तो ऐसा है बोलते ना संजोग होता है. So I went through a divorce. Then I realized कि नहीं it's good to marry somebody who loves you more than you love. True. अभी मैं उसको छेड़ता रहता हूँ. मतलब जितना मैंने वो तुमको किया था अभी उल्टा हो गया ऐसा. आपका रेखा जी के साथ कैसा, क्योंकि आपकी साली लगी तो साली आधी घरवाली तो होती है. तो कैसा है अमेजिंग रिलेशनशिप. वो खाना कैसा बनाती है, कैसा रेखा का खाना बनाती है. नहीं बनाती. शी डजंट कुक. उनका कैसा नेचर है. You have to see her to believe her, frankly. Like, I'm in awe of her aura. I met her twice, but nature जो घर पे होता है वो. See, with me, I have known her since before. तो मेरे साथ तो मतलब है कि amazing relationship है. But she is a very different person. तो अपने अलग एक उनकी दुनिया है. सूर्य मेरा उनका एक ही जो मिलता है जब हम जब भी हम फोन पे बात करते हैं लक्ष्मी को बोलना एक्सरसाइज करना. सो द वे आई शी नोज हाउ मच आई हार्ड वर्क आई पुट इन एवरी डे. एंड सो इज शी. शी टोटल वेजिटेरियन. नो अल्कोहल. नो अल्कोहल. नो सिगरेट्स. नथिंग. शी गेट्स अप एट 5 o'clock. योगा एक्सरसाइजेस. आज भी उसके फेस पे ग्लो देखो आप. वो ग्लो उनको तो आज भी मतलब. आज भी आप उनके फेस पे अगर ग्लो देखेंगे वो बड़ी बड़ी यंगस्टर्स के ग्लो नहीं है. The amount of exercise she does. So that is the. हम लोग बोलते ना हमारा एक ही वो है कि दोनों वी आर मतलब फैनेटिक्स अबाउट कीपिंग अ सेल्फ फिट. या स्टिल वी ऑल द एंटायर इंडस्ट्री कॉल
दीवा, उनको दीवा ही जाना। आज भी मैंने मतलब कभी ये मेरा प्रोग्राम आ रहा है आप देखो, तो मैं मतलब लक्ष्मी से बातचीत होती है, मैं कम ही करता हूँ। अच्छा, तो अच्छा कौन सा वाला आ रहा है ये? ओके आई विल सी इट, हाउ वाज इट? आई सेड अमेजिंग यार। अभी भी मैंने उसके वो कोई 2-3 प्रोग्राम्स आए थे, वो गाने के जो सेलेक्ट करते हैं ना चीफ गेस्ट होके, इंडियन आइडल है, कमाल का उसके जो मोमेंट्स है। सी दिस इज व्हाट आई टेल यू, द वे शी परफॉर्म्स हर, मतलब वो जो डांस का उसके स्टेप्स हैं, आज भी उसने एक अभी उसी पे किया था, उसके कौन सी वो जो तवायफ के ऊपर नेशनल अवार्ड मिला था उसको, उमराव जान, उमराव जान, वो सलामी इश्क मेरी जान, वो आज भी वो जो वो करती है। आप बाकी भी सारे अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन वो नहीं आएगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ द आईज एंड द मोमेंट, ये मैं कहता हूँ, ये इसमें चिची में गोविंदा में, मतलब आज भी गोविंदा जो है, अगर वो जो डांस में आता है ना, वो जो एक्सप्रेशन है, एक हाँ जो हरकत तो मतलब अब देखिए ना, इतना करने के बाद भी एक्टर अगर नीचे गया तो कुछ तो खामी है। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। It was lovely talking to you. जाते जाते जरा बता दें आपकी बहन जो वाकई बहुत खूबसूरत है, आज भी खूबसूरत है, प्रीति जी, उनके बारे में बताइए। वेरी शी, क्या कर रही है वो? 13 years back she got married. Yeah. तो छोड़ दिया था क्योंकि ट्विन डॉटर्स हुई थी जी। तो बहुत से ऑफर्स अभी भी आते हैं उसको, यू नो मदर्स के रोल के, अभी वो शायद अब करेगी। बट हाल ही में उसने 12 साल की फिल्म डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी की, तेरी मेरी गल बन गई, पंजाबी फिल्म। तो हालांकि वो कोविड में से पहले बन गई थी, लेकिन उसके दौरान फिर वो 1.5-2 साल लगी नहीं, तो इट डिडंट गेट व्हाट इट डिजर्व्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। बट वन थिंग आई कैन टेल यू अबाउट प्रीति इज वेरी हार्ड वर्कर, मतलब इस लेजेंड ऑफ पंजाब जिसको बोला गया है, गोल्ड मेडल प्रणब मुखर्जी ने दिया। क्या बात है। तो एज एन एक्ट्रेस ये, एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब है वो, मल्टीफैसेटेड जस्ट लाइक यू। जो इमोशनल लेवल है उसका परफॉर्मिंग का, आज भी मैं बोलता हूँ अगर इफ शी कम्स बैक और उसको कोई ऐसा जैसे मदर इंडिया टाइप रोल मिल जाए ना, अगर किसी में भी इमोशनल, तो मतलब उसको आज भी बड़ी से बड़ी हीरोइन छू भी नहीं सकेगी। क्या बात है, टेलिंग अमेजिंग एक्ट्रेसेस फॉर हिज इमोशंस आर कंसर्न। वुड लव टू टेक हर इंटरव्यू आफ्टर दिस। नेक्स्ट इंटरव्यू इज प्रीति मैम। श्योर। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बाद? हिंदी फिल्म अरसे के बाद की, सलमान किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, लवली रोल इन दैट। मी अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने सतीश कौशिक और आसिफ शेख, हम तीन मोहल्ले के टॉप हैं, जिनको वो रिस्पेक्ट करता है, सीनियर्स हैं। तो बस वो आएगी, उसके बाद देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you. I'm grateful and I'm happy and I feel lucky that I got a chance to interview this legend. जाते जाते हमारे यंगस्टर जो फिल्मों में आना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, हमारे टाइम पे तो खैर कुछ था नहीं, एक फिल्म इंस्टीट्यूट था। आज अगर आप फिल्म लाइन में आना चाहते हैं या टेलीविजन में आना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, सीख के आइए। हमारे टाइम 2-3 मौके मिल जाते थे, लेकिन आज अगर आपको आना है तो प्रिपेयर्ड होके आइए, एटलीस्ट द बेसिक्स जो बोलते हैं, जो मैंने कभी सीखी नहीं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो वो है अपना पूरा फिल्म्स टेलीविजन, ये वो जो इतना बड़ा हो गया है, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके कुछ ना कुछ आपको सीख के ही आना है। डांस सीख लीजिए, फाइट सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, फिर आइए। विश यू ऑल द बेस्ट। वेल, सो दैट्स अ रैप ऑन दिस शो ऑटोबायोग्राफी ऑन बॉलीवुड ठिकाना। हमारे साथ थे द लेजेंड तेज सप्रू जी। आई होप यू एंजॉय दिस इंटरव्यू सेशन। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई इस इंटरव्यू में, और अगले इंटरव्यू में आप कौन से उस सेलिब्रिटी को देखना चाहेंगे, ये भी हमें कॉमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। दिस वॉज मी नंदिनी रॉय साइनिंग ऑफ। टेक केयर, थैंक यू। We'll be right back.